हेडलाइंस के बाद अब विस्तार से तमाम खबरों का रुख करते हैं। चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे थे। साथ ही आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक पीएम का अलीगढ़ दौरा भी आतंकियों के निशाने पर ही था। गिरफ्तार 2 आरोपियों का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन है। इसके अलावा कई राज्यों में आतंकियों की धमाके की योजना थी। आतंकवादियों ने 26/11 की तर्ज पर 3 राज्यों में हमले का प्लान बनाया था। नवरात्र और रामलीला में बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम के इशारे पर साजिश रची जा रही थी। पूरी प्लानिंग में दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम अहम भूमिका निभा रहा था। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। पाकिस्तान की साजिश, बहुत बड़ा खुलासा। पकड़ा गया ओसामा, पकड़ा गया जिशान। आतंकिस्तान के नापाक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देश में आतंकी हमले की साजिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे में पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की, जिसमें से 1 का नाम ओसामा है और दूसरे का नाम जिशान है। 2 मॉड्यूल थे, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो कि प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था, जिनमें से 2 ओसामा और जिशान, जिनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, और उसके अलावा जो दूसरा मॉड्यूल था जिसकी मदद अंडरवर्ल्ड कर रहा था, यानी कि जो दाऊद इब्राहिम वहां पर बैठा हुआ है और उसका जो भाई है अनीस, वो इस पूरे मॉड्यूल की मदद कर रहा था, यानी कि जो एक्सप्लोसिव पहुंचाना है, जो लोकल सपोर्ट देना है, यानी कि टारगेट जो है जहां पर टारगेट करना है, वो सारी जो तमाम जगह हैं वो कोऑर्डिनेट तरीके से जो एग्जीक्यूट करने वाले आतंकी हैं उनको बतानी थी। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी, जो DCP प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और ACP हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इन गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए, और कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि इन्हें पाकिस्तान में टेरर की ट्रेनिंग दी गई थी। अब सुनिए इसके आगे की जानकारी, जो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। गिरफ्तार 2 आतंकवादियों के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का पता चला है, यानी ISI और अंडरवर्ल्ड के मॉड्यूल का भी यहां पर खुलासा हुआ है। जिशान और ओसामा, ये दोनों पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहां पर पहुंचे थे और आने वाले जो उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, उस चुनाव को लेकर ये विस्फोट करने की प्लानिंग कर रहे थे। उससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इनके जो मंसूबे थे उसे नाकाम कर दिया। इनके पास से IED और कुछ विस्फोटक बरामद हुए हैं, और इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना।
जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। इन आतंकियों से पूछताछ में ये भी जानकारी हाथ लगी है कि पकड़े गए ये आतंकवादी पूरे देश में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में थे, सीरियल धमाके की योजना बना रहे थे, टारगेट किलिंग का खौफनाक प्लान भी बनाया गया था। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि आतंकवादी दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं, यानी देश की राजधानी समेत इन 3 राज्यों पर आतंकी हमले का अंदेशा था और दिल्ली पुलिस की सतर्कता से पाकिस्तान प्रायोजित ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली से राजू राज और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।